अय्यापुर थाने के अंतर्गत 7 तारीख को एक मामला प्रतिवेदित हुआ था 392 का, जिसमें एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसमें 38 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई। इसकी राशि थी वो काफ़ी बड़ी थी। इसको देखते हुए डीएसपी साहब के निर्देशन में, अनुश्रवण में, और ESP जो टाउन है अवधेश दीक्षित, उनके नेतृत्व में एक SIT गठित की। केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था, तो जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आयाम और तरीके हो सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें कर रहे थे। क्रम के पीछे जो मुख्य अभियुक्त थे वो इस जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है इसके जो यूनिट मैनेजर इरफान नाम है उनका, वो थे। इसकी प्लानिंग उनके द्वारा तैयार की गई, 2 सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की, और प्लानिंग में ये तय था कि जिस दिन राशि काफी ज्यादा होगी उस दिन घटना को अंजाम दिया जाएगा। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल। अय्यापुर थाना क्षेत्र की सहबाजपुर स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड नामक फाइनेंस कंपनी से बदमाशों ने 38 लाख रुपया लूट लिया था, जिसका उद्भेदन पुलिस ने किया है। इस लूटकांड का मास्टरमाइंड कंपनी में काम करने वाले 3 कर्मचारी थे। 2 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना 7 दिसंबर की है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सहायक पुलिस अधीक्षक और अय्यापुर थाने की पुलिस ने घटना की सभी बिंदुओं की जांच की। फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर रूपक ओझा के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया। मामले की जांच के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में थाना अध्यक्ष अय्यापुर एवं जिला आसूचना इकाई मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया। गठित जांच टीम ने मानवीय, तकनीकी एवं CCTV फुटेज के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त 2 फाइनेंस कर्मी को दबोचा। गिरफ्तार फाइनेंस कर्मी की पहचान ब्रांच क्रेडिट मैनेजर किशन गुप्ता के रूप में हुई है, जो रामनगर के जूरा पकड़ी का रहने वाले उमा शंकर प्रसाद के पुत्र है। वहीं दूसरे कर्मचारी इरफान अली कंपनी में यूनिट मैनेजर है, जो चनपटिया थाना क्षेत्र के शकील अहमद के बेटे हैं। दोनों कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात हैं। दोनों कर्मी बेतिया के रहने वाले हैं। इनके पास से बाइक और लूट की गई राशि में से कुल 30,23,270 रुपए बरामद किए गए हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड में कार्यरत फाइनेंस कर्मियों ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी में लूट कांड की साजिश रची थी। तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अय्यापुर थाने के अंतर्गत 7 तारीख को एक मामला प्रतिवेदित हुआ था 392 का, जिसमें एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसमें 38 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई थी। मामला चूंकि काफ़ी संवेदनशील था और जो लूट की राशि थी वो काफ़ी बड़ी थी, इसको देखते हुए DSP साहब के निर्देशन में, अनुश्रवण में, और
ESP जो टाउन है अवधेश दीक्षित, उनके नेतृत्व में एक SIT गठित की गई थी, जिसमें अहियापुर के थानाध्यक्ष रोहन थे और जो DIU के प्रभारी हैं लाल किशोर थे, और दोनों ही की पूरी टीम उसमें लगातार कार्य कर रही थी। चूँकि शुरू में केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था, तो जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आयाम और तरीके हो सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें कर रहे थे, और कल देर रात्रि इसमें इस टीम को एक सफलता प्राप्त हुई। इस घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य अभियुक्त थे वो इस जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है इसके जो यूनिट मैनेजर हैं, इरफान नाम है उनका, वो थे। इसकी प्लानिंग उनके द्वारा तैयार की गई, और इसमें इनके एक साथी और थे जिनका नाम किशन गुप्ता है, जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर है उसी कंपनी में, उनको इन्होंने साथ में लिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर घटना के 2 सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की, और प्लानिंग में ये तय था कि जिस दिन राशि काफ़ी ज़्यादा होगी उस दिन घटना को अंजाम दिया जाएगा। जो किशन गुप्ता हैं उन्होंने अपने चचेरे भाई से संपर्क स्थापित किया और उनको तैयार किया इस घटना को करने के लिए, और इन्होंने घटना के 2-3 दिन पहले ही 2 नए सिम परचेज किए, जिसमें 1 सिम अपने पास रखा और 1 सिम अपने चचेरे भाई को दिया, और दोनों सिमों का प्रयोग केवल आपस में ही बातचीत करने के लिए किया। घटना के दिन घटना को कारित करने के लिए किशन के जो चचेरे भाई हैं जो अभी फरार हैं वो आए, और जो एरिया मैनेजर यूनिट मैनेजर हैं इस ब्रांच के, इरफान अली, यूनिट मैनेजर 3-4 ब्रांच पे एक होते हैं, इरफान अली, ये दोनों लोग आए वहाँ पे घटना करने के लिए। चूँकि दोनों लोग नकाब पहने थे इसलिए जो सहकर्मी थे वो नहीं पहचान पाए। जो किशन गुप्ता हैं वो पहले से बैंक में मौजूद थे, एजेंसी के अंदर मौजूद थे, और इन सब की मिली भगत से लगभग 37,90,000 रुपया ये लोग लूट के ले गए। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक किशन गुप्ता हैं, दूसरे इरफान अली हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे एक अभियुक्त जो किशन गुप्ता के चचेरे भाई हैं वो फरार हैं। जो मोबाइल लूट के ले जाए गए थे अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या 3 थी, उन 3 मोबाइल को भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार चाकू उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जो लूटी गई राशि थी उस राशि में से 30,23,270 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए, जो शेष राशि लगभग 6-7 लाख बच रही है उसकी बरामदगी के लिए, और एक अभियुक्त जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो प्लानिंग थी क्या किसी वेब सीरीज या फिल्म को देख के लोग बनाए थे या उसके बारे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जो प्लानिंग बनाने का तरीका, तो जो पहले पूर्व में कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहाँ किसी निजी कर्मी के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया और वो किसी तरीके से नहीं पकड़ पाए, उन सारी घटनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने इस घटना की। राशि इसमें जो इरफान अली हैं उनकी ससुराल है मोतिहारी में एक जगह पे, वहाँ से बरामद की उनके घर से। नहीं नहीं, उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये ऐसी एजेंसी में काम करते हैं तो कई बार कैश रहता है, तो वो लोग यही जानते थे कि इस जो एजेंसी है उसका कैश। इन दोनों के अलावा अन्य भी चीज़ें संदिग्ध है। हाँ, एक व्यक्ति और इसमें अभी बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लूटी गई राशि में क्या योजना लोग बना रहे थे कहीं खपाने के लिए या अभी तक इनका इतना ही प्लान था कि इसमें टोटल 3 लोग थे और इनका तीनों का इक्वल बंटवारा इन लोगों को करना था। जैसे इसमें लगभग 37 लाख रुपए तो 12.25 लाख के लगभग पर व्यक्ति अपना हिस्सा लेता। सर, इस तरह का घटना कारित किया कि इससे पहले भी कहीं किसी तरह का किए हों इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है? हम लोग इसमें जरूर काम कर रहे हैं, वैशाली से हम लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ वर्षों पहले गरौल में सेम माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में एक घटना घटित हुई थी लूट की, और संयोग से उस वक्त ये दोनों कर्मी वहाँ पदस्थापित थे। जो पुलिसकर्मी है जो काम उनको सम्मानित भी किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग इसमें जो वरीय पदाधिकारी है उनको तो लिख ही रहे हैं पुरस्कार की अनुशंसा के साथ लिए, और साथ ही जो आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को जो इस SIT को देख रहे थे, CT SP साहब और SP साहब दोनों लोगों को पूरी टीम के लिए 25,000 रुपया लीजिए।